पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बाढ़ और बारिश आफत लेकर आई है। जगह जगह बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसे हालात में एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर लगातार काम कर रही है। आपदा प्रबंधन के ये हीरो बिना रुके बिना थके हर बाढ़ग्रस्त इलाके में आफत की बारिश के बीच लोगों की जिंदगियां बचाकर राहत पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड में हर जगह बादल फटने और लैंडस्लाइड की वारदात हो रही है, लेकिन इन सबके बीच एसडीआरएफ प्रकृति के इस प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। देहरादून के मालदेवता में बंदल नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। ऐसे में आपदा पीड़ितों की सुरक्षा को देखते हुए टीम ने बल्लियों की मदद से पुल बनाया और जंगल गदेरा रिजॉर्ट में फंसे 24 पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू किया। कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं मलबे से रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में एसडीआरएफ ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पीड़ितों की मदद के लिए कहीं मानव चेन बनाकर नदी की तेज धार को चीरते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, तो कहीं पहाड़ों में टूटे रास्तों पर कच्चा पुल बनाकर लोगों की जान बचाई, लेकिन कहीं भी आपदा में फंसे लोगों पर आंच नहीं आने दी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हेवल नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बना रिजॉर्ट खतरे की जद में आ गया। नदी में आया सैलाब लोगों की जान पर संकट बना, तो कमान एसडीआरएफ ने संभाली और शुरू हो गई मिशन जिंदगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पौड़ी गढ़वाल के इस रिजॉर्ट से एसडीआरएफ के जवान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हेवल नदी के किनारे अरण्यम रिजॉर्ट्स में लगभग 40 पर्यटक बच्चों के साथ ठहरे हुए थे, लेकिन देर रात बारिश की वजह से नदी में सैलाब आ गया और रिजॉर्ट्स में ठहरे पर्यटकों के हाथ पांव फूल गए। तस्वीरों से जाहिर है कि पानी कितनी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर एसडीआरएफ के जवानों ने एक एक कर लोगों को वहां से बाहर निकाला। रिजॉर्ट में फंसे बच्चों को भी रस्सियों के सहारे जवानों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सैलाब तो गुजर गया लेकिन अपने निशान छोड़ गया। पूरा इलाका तहस नहस हो गया, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों का हौसला नहीं टिका। देखिए सैलाब के बाद भी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें तीर्थ नगरी ऋषिकेश की हैं, जहां मोहन चट्टी इलाके में बारिश और बाढ़ की वजह से एक बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया और कई पर्यटक फंस गए, लेकिन यहां भी एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और सभी सैलानियों को बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि कैसे जवानों ने रस्सियों के सहारे एक ह्यूमन चेन बनाई और उसके सहारे सैलानियों को रिजॉर्ट से बाहर निकाला। नाला तो पार हो गया, लेकिन भूस्खलन की वजह से एक छोटा पुल समा गया। ऐसे में जवान खुद ही एक अस्थायी पुल बनाने में जुट गए। देखिए कैसे एक जवान कटीली झाड़ियों को हटा रहा है। झाड़ियां हटाने के बाद लकड़ी और रस्सियों के सहारे एक एक कर पर्यटकों को रास्ता पार कराया गया। पहाड़ों में ये दिन मुश्किल भरे हैं, हालांकि सरकार राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। सीएम पुष्कर धानी ने भी कई इलाकों का दौरा किया है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी हमारे जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से अंकित शर्मा के साथ ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।